हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब सो लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हमने देखा था कि आपके जो सेल्स होते हैं वो कौन सी कौन सी थ्योरी से फॉलो करते हैं हमारा जो पहला सेल था वो कैसे ओरिजिनेट हुआ हमने स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी देखी हमने कोअर्वेट्स का फॉर्मेशन देखा हमने थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस देखी हमने बहुत सारी अलग अलग थ्योरी देखी थी जिनमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थी ओपेरिन इन थ्योरी अब ओपेरिन हेल्डिन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया किसने किया और वही थ्योरी आगे जाके क्यों एक्सेप्ट हुई और वही थ्योरी ज़्यादातर क्यों लोग फॉलो करते हैं उसका आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बस स्टार्टिंग में ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एच प्लीज, एस प्लीज, सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के जो इलेवंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ज्ञान लैब चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री नॉलेज फ्री एजुकेशन का पूरा पूरा फायदा उठा सकें और अपने एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सकें सो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट ऑल द ऑलटिफिकेशन एज सुन एज वी अपलोड एनी न्यू वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टूडेज टॉपिक अपना आज का टॉपिक है उरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली ओपेरिन एंड हिल्डेन की जो थ्योरी थी उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बताया गया है देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल कंपोनेंट से बने हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्जिस्टेंस आया है जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो काफ़ी समय तक पिक्चर में था ही नहीं तो ऑक्सीजन को हम अवॉइड करेंगे बट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स से बना आपका मीथेन आपका अमोनिया आपका आ, ये हाइड्रोजन तो ये सारे केमिकल एलिमेंट्स से कैसे हमको प्रोटीन्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स ये सारी चीज़ें मिली वो हम आज इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी से मतलब इस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन से समझ समझेंगे तो ओपेरिन हेल्डेन ने जो हमको थियोरिटिकली एक्सप्लेन किया था मिल उरे और मिलर ने मिलकर वो हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया स्टैनली मिलर एक स्टूडेंट थे जिनके प्रोफेसर थे मिलर हैरल्ड उरे स्टैनली मिलर वॉज अ स्टूडेंट जिनके टीचर थे हेरल्ड उरे इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने प्रूफ दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो केमिकली इवॉल्व हुए हैं यानी केमिकल एलिमेंट्स की मदद से फर्स्ट लिविंग सेल बना तो स्टैनली मिलर एंड हिज टीचर हैरल्ड सी उरे प्रोवाइडेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ओपेरिन एंड हिल्डे यानी केमिकल से कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरेट हो सकते हैं वो हमको इस एक्सपेरिमेंट से पता चला बेसिकली इन्होंने क्या किया इन्होंने एक ग्लास का अपैरेटस ऑर्गेनाइज किया एक ग्लास का अपैरेटस अरेंज किया ये देखो ऐसा एक चेंबर इन्होंने बनाया इस चेंबर को हम बोलते हैं स्पार्क चेंबर या स्पार्क अपैरेटस ठीक है आपके थियोरी में दिया गया है इस चेंबर को हम क्या बोलते हैं स्पार्क चेंबर या स्पार्क अपैरेटस इनिशियली उरे और मिलर क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जो आपका प्री एग्जिस्टिंग अर्थ था जो प्रोबायोटिक फॉर्म ऑफ अर्थ था अर्थ का जो एन्वायरमेंट था एकदम हीट एकदम 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 ज़्यादा हीट वैसा टेम्परेचर हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जो फर्स्ट लिविंग सेल बना था वो उतने ही एक्सट्रीम एन्वायरमेंट में बना था सो so, इन्होंने एक अपेरेटस डिजाइन किया जिस अपेरेटस का नाम रखा स्पार्क डिस्चार्ज अपेरेटस या स्पार्क चेम्बर दिस अपेरेटस वॉज फर्स्ट स्टरिलाइज एंड इवैक्यूटेड सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है किसी भी चीज़ को हम क्लीन करते हैं तो स्टेलाइज करना यानी कि क्लीन करना यानी कि जीरो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए कुछ भी कचरा नहीं होना चाहिए तो इन्होंने उस अपैरेटस को क्लीन किया पूरा खाली किया इवैक्यूएट करना यानी खाली करना और फिर उसके अंदर इन्होंने उरे और मिलर ने तीन केमिकल कंपोनेंट्स डाले कौन से तीन केमिकल कंपोनेंट्स थे मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैसेस ये देखो तीन केमिकल कंपोनेंट्स कौन से थे मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस यस एवरीबडी और ये भी एक टाइप का आपका हाइड्रोजन या एस्ट्रो का हम बोल सकते हैं कि आइसोटोप है ठीक है so, तो मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन इनका रेशियो आपको याद रखना है क्योंकि नीट में रेशियो पूछा जा सकता है कि मीथेन का रेशियो कितना यूज़ किया गया था अमोनिया का कितना यूज़ किया और हाइड्रोजन का कितना यूज़ किया देखो मीथेन के पास कार्बन है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है तो ही बात है वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाएगा सो मीथेन वॉज यूज इन रेशियो ऑफ टू हाइड्रोजन हमारे सेल में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है बिकॉज हाइड्रोजन इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग अ बॉन्ड ऑफ मेकिंग अ बॉन्ड विद एवरी अदर केमिकल एलिमेंट तो ये भी आपका डबल uh, क्वांटिटी में यूज़ किया गया था लेकिन अमोनिया अमोनिया एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है भले ही इससे प्रोटीन्स बने आगे जाके लेकिन इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रखा गया था तो टू इज़ टू वन इज टू टू यानी कि अमोनिया और हाइड्रोजन टू टू क्वांटिटी में यूज किए गए थे क्या बोला मैंने सॉरी मीथेन और हाइड्रोजन मीथेन एंड हाइड्रोजन वॉज यूज इन द क्वांटिटी ऑफ टू एंड टू एंड अमोनिया वॉज यूज इन द क्वांटिटी ऑफ एन एच फोर यानी कि वन देखो कैसे याद रखोगे कि कौन सा गैस कितने इक्वेशन कितने रेशियो में यूज किया गया था अमोनिया यानी कि जो गंदी स्मेल आती है पब्लिक टॉयलेट से या समुद्र के किनारे से हमारे यूरिन में जो अमोनिया प्रेजेंट होता है और उसमें से जो गंदी स्मेल आती है तो आप ऐसा लॉजिक लगा के याद रख सकते हो कि गंदी स्मेल वाली चीज़ें हम कम यूज़ करेंगे या साइंटिस्ट ने कम यूज़ की होगी तो अमोनिया से गंदी स्मेल आती है इसीलिए उसका प्रपोर्शन हमने कम रखा बाकी मीथेन मीथेन आपके गोबर से बनता है और गोबर गैस कितना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए आपको पता है बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ बायोगैस तो इसका डबल क्वांटिटी यूज़ किया और हाइड्रोजन तो खैर ये सब सबको अच्छा लगता है हाइड्रोजन इसलिए डबल क्वांटिटी हाइड्रोजन का यूज़ किया तो देखो इधर क्या दिया गया है कि हमारे साइंटिस्ट ने कौन से तीन केमिकल इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन यूज किए मीथेन डबल क्वांटिटी में अमोनिया सिंगल एंड हाइड्रोजन गैसेज वर पम्प्ट इन द प्रपोर्शन ऑफ वन इज टू टू इज टू टू अब देखो आप बोलोगे मैम इधर वन इज टू टू इज टू टू दिया है बराबर लेकिन इधर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है ना अगर रिस्पेक्टिवली लिखते हैं मतलब वन प्रपोर्शन ऑफ मीथेन टू प्रपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड टू प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन लेकिन यहाँ रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी यूज की गई है बट कौन सी कौन सा प्रोपोर्शन किसका यूज किया गया है वो मैं आपको बता रही हूं. Two, है उस चेम्बर में हमने ये गैसेस डाले हैं अब इन गैसेस को हम वाटर प्रोवाइड करेंगे क्या प्रोवाइड करेंगे वाटर वेपर प्रोवाइड करेंगे तो देखो अ ट्यूब कैरिंग वाटर वेपर वाज आल्सो कनेक्टेड टू द चेम्बर ये देखो यहाँ पे ये हमारा वे... प्लास्ट जैसा कुछ तो नीचे बेस है इसमें हमने वाटर डाला हुआ है और ये वाटर क्या करेगा बॉईल होगा तो यहाँ से आपके वाटर वेपर्स ट्रैवल करेंगे तो ये आपकी वाटर वेपर वाली ट्यूब है जो बॉइलिंग वाटर के वेपर्स को कलेक्ट करेगी ओके अभी हमको पता है कि इनिशियली हमारा जो एनवायरमेंट था अर्थ जनरेट होने से पहले बहुत ही ज़्यादा हॉट एन्वायरमेंट था बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी जिसमें जितना भी पानी था वो इवेपरेट हो जाता था और उतनी ज्यादा गर्मी वाली सिचुएशन लैब में क्रिएट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया उन्होंने इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जिससे लाइटनिंग इफेक्ट मिले यानी कि पहले कैसे होता था जब अर्थ नहीं बना था या जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे तो ओशन से पानी वाइबरेट होता था क्लाउड्स बनते थे फिर वो क्लाउड्स आपस में कोलाइड करते थे जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते थे और बिजली निकलती थी यानी लाइटनिंग इफेक्ट आता था अब हम लैब में वो लाइटनिंग इफेक्ट कहाँ से लेकर आएंगे इसीलिए हमने क्या किया हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट की यानी इलेक्ट्रोड्स किए ओके तो लाइटनिंग इफेक्ट मिमिक मिमिक्री करना याने करना यानी कॉपी तो हम नेचर की कॉपी कर रहे थे जैसे नेचर में सच में बिजली आती है वैसे हम इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करके बिजली बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो केमिकल एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके कुछ नया बनाए क्योंकि देखो नेचर में ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए तो नेचर को कॉपी करके ही समझा जा सकता है कि ये चीज कैसे होती है तो लाइटनिंग इफेक्ट वॉज मिमिक कॉपीड बाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कार्बन स्पार्क इन द चें प्रोसेस ऑफ इवेपोरे प्रेसिपिटेशन वॉज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाई द यूज ऑफ हीटिंग मेंटल एंड कंडेंसर रिस्पेक्टिवली साथ ही साथ हम क्या कर रहे थे हम वाटर को इवेपरेट भी कर रहे थे और उसको प्रेसिपिटेट भी कर रहे थे ये देखो इधर से हम वॉटर को इवेपरेट कर रहे हैं ये गैस गैसेस आपके स्पार्क चेम्बर में जा रहे हैं और आगे जाके जब ये वॉटर आपके स्पार्क चेम्बर में जा रहा है तो यहाँ से अब जो गैस निकल रहा है उस गैस को हम कंडेंस कर रहे हैं कंडेंस करना मतलब क्या होता है अगर अंदर अंदर आपके बहुत ज़्यादा हॉट

तो ग्लास के बाहर पूरा पानी आ जाता है क्योंकि वो एनवायरमेंट की हीट के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो वैसे ही अपने ट्यूब के अंदर एकदम गरम गरम हवा है और मैंने बाहर से ठंडा कपड़ा या ठंडा कंडेंसर लगा दिया ठंडा रुमाल बांध दिया तो अंदर आपको पानी की बाफ दिखने लगेगी पानी के वेपर्स यानी ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगे सो तो हम इवेपोरेशन भी कर रहे थे प्लस उसको हम कंडेंस भी कर रहे थे यानी प्रेसिपिटेशन भी कर रहे थे अब क्या देखने को मिला ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू अठारह दिन तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा मतलब ये ऐसे ही प्रोसेस चल रहा था ठीक है यहाँ से हम वाटर बॉईल कर रहे थे गैसेस निकल रही थी गैसेस जमा हो रही थी स्पार्क चेंबर में जा रही थी फिर वापस गैस निकल रहा था कंडेंस हो रहा था और यहाँ पे वापिस से आपका वॉटर जो है वो वापिस से रिसाइकिल हो रहा था तो ऐसे हम लोग करते जा रहे थे करते जा रहे थे करते जा रहे थे उल, उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट में वो दोनों साइंटिस्ट अठारह दिन तक कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहे एक्सपेरिमेंट करते करते हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ कलेक्शन चेंबर में ना ब्राउन लिक्विड जमा हो गया है मतलब स्टार्टिंग में हमने वाटर कलरलेस डाला था बट अब यहाँ पे वो वाटर ब्राउन कलर का टर्न हो गया देखो द मिक्सचर ऑफ सी एच फोर यानी मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन वॉज एक्सपोज कंटिन्यूअसली हम कंटिन्यूस ये साइकिल रिपीट कर रहे थे इलेक्ट्रिक चेंबर के अंदर फॉर सेवरल डेज फॉर सेवरल डेज मतलब अप्रॉक्सीमेटली एटीन डेज जिसकी वजह से गैसेज आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे जिसके वजह से ये इनके बीच में कंडेंसेशन हुआ कंडेंसेशन यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और लास्ट में हमने जब यूट्यूब से ये यह देखो यहाँ से जब हमने लिक्विड कलेक्ट किया ये जो यूट्यूब है इस यूट्यूब से जब हमने लिक्विड कलेक्ट किया ब्राउन कलर का लिक्विड और जब उसका हमने केमिकल एनालिसिस किया तो हमको क्या पता चला द लिक्विड कलेक्टेड इन द यूट्यूब टर्न ब्राउन एंड द केमिकल एनालिसिस ऑफ लिक्विड रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो यहाँ पे हमने अमोनिया डाला था जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो इस प्रोडक्ट में हमको मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था प्रोटीन्स येस एवरीबडी यानी कि एक्चुअली हमको मिले अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स आगे जाके बनते हैं प्रोटीन्स तो इसका मतलब क्या है कि नेचर में कुछ ऐसी बॉन्ड्स या कुछ ऐसी एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसके वजह से कंडेंसेशन ऑटोमेटिकली होते जाता है तो हमको मिला प्रेजेंस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक urea amino acids lactic acid etc and this experiment strongly supports aur isi experiment se ye prove hota hai that simple molecules present in earth's atmosphere it combine together to form organic building blocks of life to isse ye cheez prove hoti hai ki hamare earth mein jo ye gases present the methane ammonia hydrogen carbon ये सारे gases से मिलके हमारे life के चार important building blocks molecule बने जो आपने class 11 biomolecule chapter में पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले बना आर यानी कि आर वर्ल्ड हाइपोथिस के बारे में बट यहाँ पर मैंने आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है ये नीट के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उरे और मिले के एक्सपेरिमेंट के बाद उरे मिलर एक्सपेरिमेंट के बाद अठारह दिन के बाद जब इन्होंने केमिकल एनालिसिस किया तो कौन से तीन अमीनो एसिड्स इनको देखने को मिले इसका नाम आपको पता होना चाहिए देवर ग्लाइसिन एलिन एंड एस्पार्टिक एसिड ओके तो एस्पार्टिक एसिड ग्लाइसिन एंड एलिन ये तीन अमीनो एसिड्स मिले थे जिससे आगे जाके ही बात है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा और आपका फर्दर प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ होगा सो इधर पे हमको पता चला कि ओपेरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी थी वो कंफर्म हुई क्योंकि ओपेरिन हिलडेन ने क्या बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल इवोल्यूशन के वजह से बनते हैं यानी कि केमिकल एलिमेंट से बनते हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर एन ए वर्ल्ड हाइपोथिस के बारे में इस वीडियो को मैं शॉर्ट और सिंपल रख रही हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्योंकि यहाँ पर हमने आपको फ्री पी नोट्स दिए हैं टारगेट पब्लिकेशन के क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ पी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के नोट्स हमने पिन करके रखे हैं ज्ञान लैब ए वाले टेलीग्राम चैनल के एकदम टॉप पे पिन करके रखा है एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू आर चैनल ज्ञान लैब एन तो नीट वाली जो चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आपके लिए अच्छी वाली एक मस्त वाली ब्लॉगिंग वीडियो हम डालने वाले हैं तो अगर आपने अब तक हमारे लाइफ बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और एंटरटेनमेंट का पूरा फायदा उठाओ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको मैं वेटेज प्लस पेपर पैटर्न ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ फिजिक्स का वेटेज दे दिया है बायोलॉजी का वेटेज दे दिया है दोनों का पेपर पैटर्न भी आ जाएगा केमिस्ट्री और मैथ्स का भी वेटेज और पेपर पैटर्न में देने वाली हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली टारगेट सीरीज़ देना स्टार्ट करूँ सो आई होप कि आपके लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल रहेंगी मेक श्योर sure कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें क्योंकि सबका फ़ायदा होना चाहिए एंड इफ़ यू वॉन्ट की मैं आपके लिए डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट करूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको डेली टारगेट सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए इसके अलावा इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम अस देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आई होप आई विल सी यू वेरी सून सो बाय बाय टेक केयर टिल देन स्टेट यूड